नमस्कार, इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल के डिवाइन पैलेस के बाहर से। देख सकते हैं जननायक जनता पार्टी का जो आज एक राज्य स्तरीय सम्मेलन है, जिसके चलते हुए दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में, जिनके स्वागत के लिए देख सकते हैं तमाम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। करनाल की ये तस्वीरें हैं और द डिवाइन की ये तस्वीरें हैं, और किस तरह से देख सकते हैं तमाम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए, उनका इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं, कुछ ही समय में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और किस तरह से देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल के अंदर आरसीएम मनोहरलाल खट्टर भी पहुँचे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला जो है वो करनाल पहुंच चुका है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल से, करनाल के द डिवाइन की ये तस्वीरें हैं, और दुष्यंत चौटाला देख सकते हैं यहां पर पहुंच चुके हैं। अब इनका स्वागत जो है वो यहां पर किया जाएगा। देख सकते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज करनाल पहुंचे हैं और राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर अब स्वागत करने के लिए तमाम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बुके देकर जो यहाँ पर देख सकते हैं स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जो काफिला है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का वो करनाल द डिवाइन में पहुंचा है, और जिसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम किस तरह से देख सकते हैं गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से स्वागत जो है वो किया जा रहा है, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे हैं और फिलहाल देख सकते हैं स्वागत जो है वो करते हुए यहाँ पर तमाम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देखिएगा भी ज़रूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं डिप्टी सीएम जो हैं वो आज करनाल में पहुँचे हैं, और आपको बता दूँ आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल में हैं। दोनों आप देख सकते हैं सीएम और डिप्टी सीएम आज करनाल के अंदर पहुँचे हुए हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों से जो है वो मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है आज रखा गया है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्वागत जो है वो करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। डिवाइन में आपको मैं बता दूं, तस्वीरों में देख सकते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है वो पहुंचे हुए हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी के जो हैं वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और देख सकते हैं किस तरह से आज राज्य स्तरीय जो सम्मेलन है वो रखा गया है द डिवाइन के अंदर। द डिवाइन के अंदर ये जो कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं किस तरह से आज डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला हैं करनाल पहुंचे हैं, उनके देख सकते हैं जो लोग उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। द डिवाइन की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से आज जो राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है वो रखा गया है, जिसके चलते हुए आज यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुँचे हुए हैं करनाल में। इंटेलेक्चुअल सेल के साथियों के साथ कैसे आगे पार्टी संगठन को और मजबूत करना है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल साथियों का जो योगदान रहता है उसके ऊपर चर्चा की गई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी की जो सोच को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटेलेक्चुअल सेल के साथ। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही उसकी कोई ट्रेसिंग होती है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए।
जो पेंशन बढ़ी है सर 250 रुपए, लोग कह रहे हैं कि 5100 आपने वादा किया था, 250 तो बड़ी आपका वादा था 5100 का। आज के दिन एक चीज तो है कि कोई इंक्रीज हुआ है उसका लोगों ने आभार जताया है और हमें भी खुशी, और कितना बढ़ेगी तो समय के अनुसार है, हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा लेकर जाए। विधानसभा में 24 का चुनाव जो है ना गठबंधन गए थे हरियाणा देश दिया आपने सर, जिस आदमी ने आरोप लगाए मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं, इससे ज्यादा मैं उस पर जवाब। 24 में गठबंधन सर में चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी अलग गठबंधन है, अगर पंजाब केसरी चाहता है टूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता आर्य जी, मगर अभी तक दोनों पार्टियां मजबूती से चल रही है और मजबूती से आगे। ये जो भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर हर पार्टी के संगठन के साथी की यही सोच होती है कि उनकी पार्टी का नेता आगे लीड करे, आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों के साथ चली और देश के अंदर 300 का आंकड़ा पार किया, कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य के अंदर पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पहले हाथ से हाथ जोड़ो, कमेटी बनाई गई है, 3 तारीख से उनकी बैठकें शुरू होंगी, उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। कांग्रेस पार्टी के पहले भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो चला रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इतना बोलूंगा कि जो पार्टी अपने संगठन को नहीं जोड़ पाती वो हाथ को क्या हाथ से जोड़ पाएगी, कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती हुई और देश को ये समझ आ चुका, आगे भविष्य में कांग्रेस क्या करती है, क्या योजना बनाती है, कैसे प्रोसीड करती है, तो भविष्य की। अबे चौटाला द्वारा जी भी एक यात्रा शुरू की जा रही है, गुंडू की तो सुनी थी भाई, एंट्रिंग सर, एंट्रिंग कर।